और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां क्राइम ब्रांच के द्वारा 18 लाख की ब्राउन शुगर के साथ पकड़ाए गए 5 आरोपियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरफ्तार एक तस्कर ने बताया कि प्रतापगढ़ का ड्रग तस्कर इंदौर के 2 दर्जन पेडलर को ड्रग सप्लाई करता है। इंदौर के बाणगंगा इलाके में ब्राउन शुगर बेचने वाले 2 कस्टमर के बीच चल रहे कॉम्पिटिशन को लेकर ये समझौता करवाने वाला था। उसने सप्लाई चेन बढ़ने के चलते मुंबई और केरल के रास्ते से इंदौर में ड्रग सप्लाई की बात कही है। पुलिस को अब इंदौर से जुड़े और भी तस्करों की तलाश है। मामले में टीआई धीरेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि सुहेल उर्फ सोनू पुत्र असलम खान निवासी पठान मोहल्ला प्रतापगढ़ को पकड़ा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोपियों से अब बाणगंगा पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी सुहेल ने बताया कि उसकी टीम में बड़ी संख्या में तस्कर जुड़े हुए हैं, जो कि इंदौर और आसपास के जिलों में करीब 2 दर्जन लोगों को माल सप्लाई करती है। सोनू ने बताया कि ड्रग सप्लाई में 3 टीम काम करती हैं। तीनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानती। सबसे आगे ए टीम होती है, जो पार्टी से एडवांस पैसा कलेक्ट करती है, जिसके पीछे बी टीम जाती है, जो कि रैकी करती है कि पार्टी कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही, या फिर पार्टी के आसपास पुलिस का मूवमेंट या फिर शक की कोई गुंजाइश तो नहीं है। इसमें कई बार बहुत अधिक समय लग जाता है, लेकिन इसकी हरी झंडी मिले बगैर माल की डिलीवरी वो नहीं करते, जिसके पीछे सी टीम आती है और माल की डिलीवरी करते ही आगे बढ़ जाती है। सी टीम ना पलटती है और ना ही कहीं रुकती है। इस तरह से वो पूरी सप्लाई चेन चलाते हैं, ताकि पुलिस और मुखबिरों की नजर से बचा जा सके। सोनू के मुताबिक अजय और रोहित भागीरथपुरा इलाके में रहते हैं, जहां से वो दोनों नाबालिगों के माध्यम से ड्रग्स बिकवाते हैं। यहां दोनों के बीच चल रहे कंपटीशन को लेकर बिजनेस का नुकसान हो रहा था। प्रतापगढ़ से उसे दोनों के बीच समझौता कराने को कहा गया था, ताकि बिजनेस प्रभावित ना हो, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सोनू से और भी ड्रग्स पेडलर भी मिलने आने वाले थे, लेकिन एकाएक कार्रवाई के बाद कोई भी सामने नहीं आया, सभी पेडलर फरार हो गए। क्राइम ब्रांच और पुलिस की पूछताछ में सोनू ने बताया कि जब अलग तरह के माल की खपत ज्यादा होने लगती है, तो केरल के रास्ते मुंबई होते हुए इंदौर भी ड्रग्स पहुंचती है। वह सब तरह की ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की माने तो इस मामले में अब और सप्लाई चेन ढूंढने के साथ ही इंदौर के तस्करों की जानकारी जुटाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।